दिल्ली की 30,000 कोर्ट हिंसा की जांच जो है वो एसआईटी करेगी। ये आपको एक जानकारी हम दे दें, क्योंकि दिल्ली पुलिस के मुताबिक हिंसा में 20 पुलिसकर्मी और एडिशनल डीसीपी घायल हैं। 30,000 कोर्ट में पार्किंग विवाद को लेकर झड़प हुई थी। दिल्ली पुलिस की तरफ से ये कहा गया कि वकीलों ने पुलिस की गाड़ियों में आग लगाई, 12 मोटरसाइकिल और एक पुलिस की जिप्सी में तोड़फोड़ की गई। अब इस पूरे मामले की जांच एसआईटी करेगी। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें एक पुलिस की जिप्सी और 12 मोटरसाइकिल के साथ तोड़फोड़ कर आग के हवाले कर दिया गया। कैसे हिंसक झड़प हुई, अब इस मामले की पूरी जांच एसआईटी के पास है। ये पूरा जो विवाद है पार्किंग को लेकर शुरू हुआ था, ये झड़प कैसे हिंसक झड़प में तब्दील हुई ये तस्वीरों में आप देखिए। 20 पुलिसकर्मी इसमें घायल हैं। ये सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हम आपको पूरा मामला समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए, पार्किंग को लेकर ये विवाद शुरू हुआ था 30,000 कोर्ट के बाहर, और ये विवाद देखते ही देखते कितना उग्र हो गया, यानी हाथापाई की नौबत आई और फिर हिंसक झड़प शुरू हो गई। इसमें 20 पुलिसकर्मी घायल हो गए, इसमें बाइक्स को नुकसान पहुंचा है, 12 बाइक्स हैं जिन्हें नुकसान पहुंचा है, पुलिस की एक जिप्सी भी इसमें अब तबाह हो गई है, क्षतिग्रस्त हो गई है बुरी तरह से। और आप देखिए, बीच बचाव का तो मौका छोड़िए, कैसे ये जो पूरा माहौल है ये एकदम हिंसक बन जाता है। तो अब इस पूरे मामले की जो जांच है वो एसआईटी करेगी। हालांकि इस तरह के विवाद यहां पर पहले भी होते रहे हैं, पार्किंग विवाद को लेकर वकीलों में और पुलिसकर्मियों में झड़प हुई है इससे पहले भी, लेकिन इस तरह से हिंसक रूप अख्तियार कर लेना इस पूरे मामले का, इसे एक तो जायज नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि यहां दोनों ही एक जिम्मेदार पदों पर मौजूद हैं दोनों ही पक्ष, और अगर इस तरह से झड़प होती है, इसमें घायल हो जाते हैं पुलिस वाले, तो आप समझिए। नीरज गौड़ मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर। नीरज, एसआईटी इसकी जांच करेगी, एक बार फिर से आप बताइए कि पूरा मामला क्या था और इसमें बाबी आगे किस तरह से जांच होनी है। जिस तरीके से जो बताया जा रहा है कि दोपहर तकरीबन 3 बजे के आसपास का ये इंसिडेंट है, 2-3 बजे के आसपास का इंसिडेंट है, और उसके बाद में बताया जा रहा है कि जो लॉकअप होती है कोर्ट की, उसके ठीक बाहर जो है गाड़ी पार्किंग को लेकर के पुलिस और वकीलों के बीच में झगड़ा हुआ था, और झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया कि ये खूनी झड़प उसने रूप ले लिया था, जिसमें तकरीबन एडिशनल डीसीपी समेत 2 SHO और 20 पुलिसकर्मी इसमें घायल हुए हैं, और तकरीबन 8 जो वकील हैं वो इसमें घायल हैं, और एक हाई लेवल की जो मीटिंग है जो कि कमेटी है वो पूरे मामले की जांच करेगी एसआईटी, और जिसमें तकरीबन जो है जो कि क्राइम ब्रांच की टीम है वो इस मामले को देखेगी। और बताया जा रहा है कि जिस तरीके से पूरा मामला हुआ था, मामूली सी बात थी पार्किंग को लेकर झगड़ा हुआ, और झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया कि पुलिस को कंट्रोल करने में ही काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा, लेकिन फिलहाल अभी जो हालात हैं वो काबू में हैं और भारी पुलिस फोर्स अभी भी वहां पर कोर्ट के आसपास तैनात है। जी, आप बने रहिए नीरज हमारे साथ, जरा तस्वीरों में देखिए। पहले हम आपको दिखा रहे थे तस्वीर जहां पुलिस को आप देख रहे थे भारी संख्या में, अब जब वकील आते हैं वो कितने उग्र हो जाते हैं, कैसे पुलिस वालों पर वो ताबड़तोड़ एक तरह से हमला करते हैं, भीड़ की तरह वो टूट पड़ते हैं। ये सीसीटीवी फुटेज है, आप देखिए कि ये वकील और पुलिस, इन दोनों के बीच की लड़ाई जो कैसे एक जिम्मेदारी का पद संभालते हैं, कैसे इनकी हिंसक झड़प हो जाती है। और खास तौर पर आप सोचिए कि जो जिस पुलिस को हिंसा पर काबू पाने के लिए तैनात किया जाता है, जिस पुलिस को पूरी जिम्मेदारी के साथ उस सिचुएशन को अंडर कंट्रोल करने के लिए कहा जाता है, कैसे उग्र हो जाते हैं दोनों ही पक्ष, और देखते ही देखते इसमें 12 पुलिस वाले घायल हो जाते हैं, और इसमें माफ कीजिएगा 20 पुलिसकर्मी और 12 बाइक्स है जिन्हें नुकसान पहुंचता है, एक पुलिस की जिप्सी है उसे नुकसान पहुंचता है, भीड़ कैसे उग्र हो गई, वकील कैसे बड़ी संख्या में आए, और विवाद किस बात को लेकर था, पार्किंग को लेकर। अब आप इन्हें कैसे मान सकते हैं कि कानून व्यवस्था को आप देख लीजिए कैसे ये दुरुस्त करेंगे, और आप जुडिशरी को भी देख लीजिए, तो ये कहीं ना कहीं शर्मनाक है। दोनों ही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और दोनों ही तस्वीरों में दोनों पक्ष का असली रूप दिख रहा है। आप देखिए कैसे पहले पुलिस वाले उग्र होते हैं, फिर वकील उन पर अपना प्रहार करते हैं, तो आपा खो देना ऐसे सिचुएशन में कितना जायज है, ये इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगाइए। ये 30,000 कोर्ट के बाहर की पार्किंग का मंजर आपको दिखा रहे हैं नीरज। इससे पहले भी कई बार हमने वहां पर पार्किंग को लेकर वकीलों के और पुलिस वालों के बीच में विवाद देखा है, लेकिन इतना उग्र हो जाना क्या मैसेज जाएगा जनता में, ये सोचिए।
जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा इंसिडेंट हुआ है, तमाम सवाल पुलिस के कार्यशैली पर भी उठ रहे हैं और कहीं ना कहीं जो वकील हैं उनके ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से मामूली सी बात जो है इतनी ज्यादा बड़ी हो गई, जिसको कंट्रोल करने में काफी मशक्कत पुलिस को करनी पड़ी। लेकिन और ये भी जानकारी है कि जिस वक्त ये पूरा इंसिडेंट हुआ उस वक्त लॉकअप जो होता है, जहाँ पर जो कि कैदी होते हैं उनको पेशी के लिए लाया जाता है, वहां का ये पूरा इंसिडेंट है। ठीक उसके बाहर जो कि एक वकील है, उन्होंने अपनी अपनी जो गाड़ी थी उसको पार्क किया था, और तभी उसी दौरान जो लॉकअप का स्टाफ था उसने मना किया कि यहाँ पर आप गाड़ी अपनी पार्क ना करें। इसी बात को लेकर के दोनों के बीच में ज्यादा बहस हो गई, और फिर जो वकीलों का आरोप है कि उस वकील को कुछ पुलिसकर्मी घसीट करके लॉकअप के अंदर ले गए और वहां पर उसके साथ मारपिटाई की, और फिर उसके बाद में काफी संख्या में पुलिस वहां पर पहुंचना शुरू हो गई थी और वकीलों का भी जो हुजूम था वो भी वहां पर इकट्ठा होना शुरू हो गया। अभी दोनों पक्षों का स्टैंड क्या है, वो क्या कह रहे हैं, वकील क्या कहते हैं, पुलिस वाले क्या कह रहे हैं? जी, वकीलों का साफ तौर से कहना है कि जो भी इस पूरे मामले में दोषी हैं उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, और जो जो लोग इन्होंने मारपिटाई की है उनके बारे में एक्शन होना चाहिए, उन्हें सस्पेंड करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो ये कि कल जिस तरीके से बताया जा रहा है कि सोमवार का दिन है, कल कोर्ट बंद रहता है सोमवार। नीरज, कुछ लोग तो हैं जो फुटेज में साफ तौर पर आइडेंटिफाई भी होते हैं, तो एसआईटी के लिए तो ये एक बहुत बड़ा सबूत भी होगा। तो और ये अब इसमें एक सख्ती से कार्रवाई इसलिए भी होनी चाहिए, एक मैसेज जाना बहुत जरूरी है। अच्छा, नीरज हमारे साथ जुड़े हुए थे, सारी अपडेट वो दे रहे थे, लेकिन इसमें सबसे बड़ी अपडेट ये है कि एसआईटी अब इस पूरे मामले की जांच करेगी। सीसीटीवी फुटेज हमारे आपके सामने हैं, हम देख ही रहे हैं किस तरह से ये जो झड़प है ये हिंसक झड़प में तब्दील हो जाती है, एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं दोनों ही पक्ष, और अब एक सख्त एक्शन की जरूरत। 30,000 कोर्ट में शनिवार को पुलिस और वकीलों के बीच हुई हिंसक झड़प में 20 से ज्यादा पुलिस वाले घायल हुए हैं, जिसमें एक एडिशनल डीसीपी, दो एसएचओ शामिल हैं, साथ ही 8 वकीलों को भी चोटें आई हैं। झगड़ा कोर्ट में मौजूद पुलिस लॉकअप के सामने कार पार्क करने को लेकर हुआ है। पुलिस वालों के मना करने के बाद गुस्साए वकीलों ने जेल वैन और पुलिस जिप्सी सहित 20 से ज्यादा गाड़ियों में आग लगा दी। वकीलों का आरोप है कि पुलिस ने फायरिंग की है, हालांकि पुलिस के मुताबिक हवा में फायरिंग आत्मरक्षा में की गई है। लॉकअप तोड़ने की कोशिश में हो सकता है किसी ने कहा हो कि फायरिंग हुई है, लेकिन जब तक मैं कंफर्म नहीं करूंगा मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करना चाहता। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की एसआईटी अब इस पूरे झगड़े की जांच करेगी, जांच के लिए सीसीटीवी की मदद ली जाएगी। तस्वीरें वाकई शर्मनाक हैं, सख्त एक्शन होने की जरूरत है ताकि एक मैसेज भी जाए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौटेंगे, मॉर्निंग जी में खबरें आगे भी जा रही है, बने रहिएगा।